तो पहले ध्यान से समझने, कॉपी पेन नीचे रख के ध्यान से। मेंडल्सबर्ग, ग्रिगोर जोहन मेंडल्सबर्ग, ठीक है। ही वर्क ऑन पी प्लांट, राइट। तो सबसे पहले ही सिलेक्टेड पी, कौन सा पी? गार्डन पी आप कहेंगे, जो हम खाते हैं, गार्डन पी, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, आपने पूरा लिखा। देन सेकेंड है, ही सिलेक्टेड 14 ट्रेट्स और 7 करेक्टर्स। हर करेक्टर के 2 ट्रेट्स है। हम कहते हैं हर सिक्के के 2 पहलू है, हेड या टेल। इसी तरह हर करेक्टर के 2 ट्रेट्स है। हाइट है तो लॉन्ग हाइट है, ड्वार्फ हाइट है, ठीक है। कलर है तो डार्क कलर है कि लाइट कलर है। फ्लावर का कलर है तो पिंक है कि व्हाइट है, पर्पल है कि व्हाइट है। पॉड का कलर है येलो है कि ग्रीन है। इस तरह से 14 ट्रेट्स और 7 करेक्टर्स, 7 हम कह सकते हैं डिस्टिंक्ट करेक्टर्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ही डिड नॉट नो अबाउट क्रोमोसोम्स, जीन्स, डीएनए एटसेट्रा। ये कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। ही कॉल्ड, उसे जीन्स के बारे में पता नहीं था, बट ही कॉल्ड जीन्स एज फैक्टर्स विच कंट्रोल स्पेसिफिक करेक्टर्स। उसने इन जीन्स को क्या नाम दिया? फैक्टर्स दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम ईच करेक्टर हैज टू फॉर्म्स, विच आर कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स। या कैन से ऑल्टरनेट फैक्टर्स या ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ फैक्टर। ठीक है। देन ही फर्स्ट, मैंने आपको ये बताया था, ही फर्स्ट ऑब्टेन्ड प्योर फॉर्म ऑफ ईच करेक्टर। प्योर फॉर्म का मतलब है जिसमें कोई मिक्सिंग ना हो। जनरेशन बाय जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन वही करेक्टर ट्रांसमिट हो, उसमें कोई मिक्सिंग ना हो कि कुछ जनरेशन या अगली जनरेशन में करेक्टर चेंज हो गया। नहीं, अगर पर्पल फ्लावर्स है, पर्पल कलर के फ्लावर्स है एक प्लांट पे, तो जब उसके बीज बने, सीड्स बने, तो उससे जो प्लांट्स बने उसमें भी पर्पल फ्लावर्स हो, फिर आगे भी हर जनरेशन में पर्पल फ्लावर्स ही हो। दैट इज प्योर फॉर्म ऑफ ईच करेक्टर बाय सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद देन ही परफॉर्म्ड क्रॉस पॉलिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। जैसे
उसने क्या किया? एक्सपेरिमेंट वन, प्योर टॉल इनटू, इसको हाइब्रिडाइज किया प्योर ड्वार्फ से. दिस इज हाइब्रिडाइजेशन. प्योर ड्वार्फ, प्योर टॉल उसने बना लिया सेल्फिंग से, सेल्फ पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन आपको पता है, बहुत छोटी क्लासेस से आप पढ़ रहे हैं, कि उसी फ्लावर के पोलन लेके उसी के स्टिग्मा पर डाल दे. दैट इज इट इज सेल्फ पोलिनेशन. बट एक फ्लावर के पोलन लेके किसी और प्लांट, मतलब है पी का ही प्लांट है, बट प्लांट वन प्लांट टू ऑफ पी प्लांट, बट एक पी प्लांट वन पी प्लांट के पोलन लेके सेकेंड पी प्लांट में पॉलिनेशन कर दी जाए, देन इट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन. बट क्या शर्त है? कि दोनों प्लांट्स में अलग करेक्टर्स हो. एक में पर्पल फ्लावर्स है, एक में पिंक फ्लावर्स है, राइट? एक टॉल है या एक ड्वार्फ है. इस तरह से दो डिफरेंट ट्रेट्स हो तब हाइब्रिडाइजेशन, दो सिमिलर हो फिर हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी? ठीक है, दो अलग अलग ट्रेट्स हो तभी उनमें हाइब्रिडाइजेशन होगी, राइट? सो प्योर टॉल इनटू प्योर ड्वार्फ में जब हाइब्रिडाइजेशन की, तो अब हमें पता है प्योर टॉल का क्या मतलब है, कि दोनों एलील्स सेम है, राइट? टॉलनेस के लिए सेम है और ड्वार्फ है, तो ड्वार्फनेस के लिए दोनों एलील सेम है, होमोजाइगस. प्योर मीन्स होमोजाइगस, राइट? देन जब इनको किया, अब आपको ये पता है कि इसके कौन से गैमेट बनेंगे, एक ही बनेगा गैमेट इस तरह का, और इसका भी एक ही मिलेगा बनेगा इस तरह का, और जब फ्यूजन हो जाए तो ये बनता है टी. उसको नहीं, मेंडल को, सॉरी डार्विन को नहीं पता था ये, बट उसको फिनोटाइप क्या मिला? ऑल टॉल. ठीक है, एक्सपेरिमेंट वन उसने किया, प्योर टॉल को प्योर ड्वार्फ से किया, फिर उसके सीड्स इकट्ठे किए, सीड्स फिर ग्रो किए, तो जो उन सीड्स में से प्लांट निकले वो सब टॉल थे, राइट? एंड ही कॉल्ड देम. उसको इन जीन्स के बारे में नहीं पता था, ये हमें पता है. दिस इज कॉल्ड एज F1 जेनरेशन. F1 का क्या मतलब है? F1 मीन्स, उसने नाम दिया फर्स्ट फिलियल जेनरेशन. इसमें मैं एक टर्म बताऊंगी, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, जो इसका जीनोटाइप है. जीनोटाइप इज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज हेट्रोजाइगस है ये. हेट्रो मतलब दो एलील्स डिफरेंट है, एक टॉलनेस की है, एक डॉर्फनेस की है, और फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस. इट इज फॉर टॉल प्लांट. ऐसा नहीं है कि जो ये टॉल थे वो इन टॉल से छोटे थे, ऐसा नहीं. जितनी हाइट इनकी थी उतनी ही इतनी इनकी थी, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट से उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चला. उसके बाद उसने सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या किया वो मैं आपको बताती हूँ, बट फर्स्ट यू नोट डाउन दीज पॉइंट्स. आप बेटा ये बॉक्स में लिख लेना अलग से. इन दिस एक्सपेरिमेंट प्योर टॉल एंड हाइब्रिड टॉल हैव डिफरेंट जीनोटाइप्स, दैट इज पीटी एंड दिस टी, बट हैव सेम फिनोटाइप.
that is are equal in height. Right? Like, look. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एक्सपेरिमेंट टू. एक्सपेरिमेंट टू में क्या किया मेंडल ने, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ एफ वन जनरेशन. मतलब जो स्टेमंस थे बेटा, या एंथर जो था वो भी यही था, चौल हाइब्रिड चौल. और जो ओव्यूल या ओवरी फीमेल सेक्स ऑर्गन वो भी यही था. अब बताइए जल्दी से, कौन बता रहा है? फर्गुन, इसके कौन से गैमेट्स बनेंगे बेटा? मैम कैपिटल टी और स्मॉल टी. यस, टू गैमेट्स बनेंगे इसके. कैपिटल टी मतलब टू टाइप ऑफ पोलन ग्रेन उन्होंने गैमेट्स बनाए, ये वाले. इसने भी जो एग्स बनाए वो दो टाइप के है, या ये वाला एग है या ये वाला एग है. ठीक है, दीज आर गैमेट्स, मेल गैमेट्स, ये गैमेट्स है. ये है मेल गैमेट्स, ये फीमेल गैमेट्स. ऑब्वियसली मेल फ्यूजेस विद फीमेल. एंड अगेन आप पुनेट स्क्वायर भी बना सकते हो या सीधा ये बना सकते हो. दे मे फ्यूज लाइक दिस और दे मे फ्यूज लाइक दिस. ये सब प्रोबेबिलिटीज है, मैं दोबारा से बता रही हूँ. जब बहुत सारे करेंगे तो हमें ये रेशियोज मिलेंगे. तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, हमें क्या मिला? वन कैपिटल टी कैपिटल टी, टू हाइब्रिड टॉल, एंड वन dwarf. This is genotype. One pure tall, two hybrid tall, one dwarf. But बाहर से देखने में तो कोई hybrid tall, pure tall में फर्क नहीं है. तो phenotype क्या है? P tall is to one dwarf. Ratio is 3:1. ये कौन सी ratio है? फिनोटिपिक रेशियो. जीनोटिपिक रेशियो क्या है? 1:2:1. अब उसने, उसे ये नहीं पता कि उसको सिर्फ क्या दिखे. ये मेंडल ने तो सिर्फ ये देखा कि जब F1 टॉल को जब सेल्फिंग की तो उसे रेशियो मिली 3:1:2. यहाँ पे ऐसे लगता था, ध्यान से सुनना है, यहाँ पे ऐसे लगता था कि टॉल एंड ड्वार्फ को क्रॉस किया तो सभी प्लांट्स टॉल आए. इसका मतलब ड्वार्फ करेक्टर कहीं गुम हो गया है, अब वो है नहीं है. बट फिर क्या देखा कि नहीं, F2 जनरेशन में दिस इज कॉल्ड एज सेकंड फिलियल जनरेशन. F2 जनरेशन और सेकंड फिलियल जनरेशन आपने पूरा लिखना. सेकंड फिलियल जनरेशन में ही ऑब्टेंड टॉल एज वेल एज ड्वार्फ. फ्रॉम दिस लिखवाऊंगी मैं, बट पहले समझो कि फ्रॉम दिस ही कंक्लूडेड दैट ड्वार्फ करेक्टर इज नॉट लॉस्ट, गुम नहीं कहीं पे हुआ था. और ऐसा भी नहीं हुआ था कि मिक्सिंग हो गई, जैसे हम कहते हैं रेड एंड व्हाइट को मिक्स करो तो पिंक आ जाता है. ठीक है, तो ऐसे मिक्सिंग भी नहीं हुई थी करेक्टर्स की और गुम भी नहीं हुआ था. इट रीअपीयर्स इन एफ टू जनरेशन.
From this, he concluded that, first conclusion, that out of two factors of the character, a capital T, a small t. Tell you what, each character is controlled by two factors. Second thing, out of two factors, one is dominant, other is recessive. When the two comes together, only dominant expresses itself. It suppresses the effect of the other factor. So here, tall dwarfness ka factor hai, but wo express nahi kar pa raha. Kyun? T ki presence mein, capital T, dominant ki presence mein, do bachche hai, ek bahut bolta hai, ek bahut kam bolta hai. Aur jab dono bachche, dono bolte to hai, jo kam bolta hai, wo gunga thodi hai. Muted thodi hai, right? So, kya hai? Ki bhai, jo do bachche, ye dono ikatthe hai, ek zyada bolne wala, ek kam ko. So, kaun bol raha hai? सिर्फ जो ज्यादा बोलता है वही बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, दूसरा सिर्फ सुन रहा है. तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि वो बच्चा बेचारा गूंगा है. नहीं, जब उसको अपने जैसे दो मिलेंगे जो दोनों कम कम बोलते हैं, तो आप देखोगे कि दोनों थोड़ा 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 बोल रहे हैं. उसने कब नहीं बोला? जब वो किसके साथ आया? जो बहुत ज्यादा बोलता है, राइट? तो सेम इज द केस हियर. ये नहीं कि स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ये तब एक्सप्रेस करेगा जब ये होमोजाइगस फॉर्म में आएगा. जब ये हेटरोजाइगस फॉर्म में है, जब डोमिनेंट फैक्टर के साथ है, देन रिसेसिव फैक्टर डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ. ठीक है? तो दो चीजें. पहली बात कि ईच फैक्टर, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स, वन डोमिनेंट एंड अदर रिसेसिव. दूसरी चीज, इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट फैक्टर द रिसेसिव कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ. ठीक है? दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. थर्ड है, बट F2 जेनरेशन में उसे दिखा कि ड्वार्फ करेक्टर भी आया, बट वो तभी आया जब दोनों होमोजाइगस फॉर्म में है. इसका मतलब है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द टू फैक्टर्स, ये दोनों कैपिटल टी, ये बेटा हमें तो लगता है कि हो तो रहे हैं, इतने बताने वाली क्या बात है, बट बेचारे मेंडल को उस टाइम पता ही नहीं था. सेल डिवीजन, मियोसिस, वो कुछ नहीं पता था उसे. ठीक है? यह दुनिया को भी नहीं पता था. उसने सिर्फ सोचा ऐसे कि जब गैमेट्स बनते हैं, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द टू फैक्टर्स दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. दैट इज व्हाई इन सम जनरेशन द रिसेसिव फैक्टर कम्स इन होमोजाइगस फॉर्म. फ्रॉम दिस ही कंक्लूडेड, ही प्रपोज्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर्स. सेग्रीगेशन मीन सेपरेशन ऑफ फैक्टर्स. ठीक है जी? तो ये चीजें जो है, ये मेंडल ने देखी, ऑब्जर्व किया और उसको कंक्लूड किया. पर पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं आपको कंक्लूजन से बताती हूँ. कल मैंने बताया था पुनेट स्केयर, कोई पता ही चल जाए, कोई पूछ ही ले. आई हैड एक्सप्लेन यस्टरडे कि पुनेट स्केयर क्या है. सेक्शन मैं आपको बेटा रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, उसमें एक बार देख लेना. But yes, ma'am. Definition लिख लो. Punnett sphere की, it is the graphical representation. इसको box में लिख लेना. It is the graphical representation to calculate the probability of all possible genotypes of offsprings in a genetic cross. मैं एक बार रिपीट करना. It is the graphical representation to calculate the probability of all possible genotypes of offsprings in a genetic cross. बेटा जैसे उसने टॉलनेस के लिए एक करेक्टर था टॉलनेस, ऐसे उसने हर करेक्टर के लिए किया. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो. Mendel perform these two experiments, these two
the above two experiments, for each character he studied. मैम एक बार रिपीट करना. मेंडल परफॉर्म द अबव टू एक्सपेरिमेंट्स फॉर ईच करेक्टर ही स्टडी. सेवन करेक्टर स्टडी किए. हर करेक्टर के लिए उसने ये दो दो जो है एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने देखा कि हर करेक्टर के लिए रिजल्ट सेम ही आता है. मैम ईच करेक्टर इज आगे क्या है? For each character he studied. Next point is likhna. As crossing off pure doll and pure dwarf produces capital T, small t, which is a मोनोहाइब्रिड. ये मोनोहाइब्रिड है क्योंकि एक जीन है जो हाइब्रिड है. मोनो बाकी के जीन हमें नहीं पता, हो सकता है वो होमोजाइगस हो, ठीक है, बट एक जीन हाइब्रिड है विच इज मोनोहाइब्रिड एंड दस दिस क्रॉस इज कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस. क्रॉसिंग है ना बेटा. ठीक है, जो कैपिटल टी ये हमने किया था ये तो सेल्फिंग थी, राइट. दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन. So this is monohybrid cross as it produces monohybrid. Okay? अब मुझे आपने एक मिनट और बता रही हूँ, आपको देखो जरा. या बताओगे क्या बना? इसका बताओगे क्या बना? और ये जैसे मैंने आपको बताया, ये बताना है क्रॉस कौन सा है. जल्दी से. क्रॉस मतलब कि मोनो हाइब्रिड या डायहाइब्रिड. डाया हाइब्रिड है, कौन सा क्रॉस है ये? तो हाइब्रिड है क्योंकि एक ही हाइब्रिड जीन है, दूसरी तो होमोजाइगस है. सो दिस इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस. हां जी बेटा अर्नब, आपने मुझे ये बताना है पहले तो कौन सा ऑफस्प्रिंग बना थर्ड में और कौन सा क्रॉस है. पहले ये बताएगा, सक्षम बताएगा यहाँ पे क्या बना. बट सक्षम ने कल क्लास अटेंड नहीं की, अभी आप सक्षम आप छोड़ो. हाँ जी सरगम आप बताइए बेटा कौन सा ऑफस्प्रिंग बनेगा. सरगम मैम
बोलो बोलो, माइक ऑन करो सर का। मैम इनमें से तो कोई भी हाइब्रिड नहीं है। हाँ कोई, पहले मुझे ऑफस्प्रिंग बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कौन सा गैमेट बना? ए बी और ये ए बी। अब बताओ क्या बना, कौन सा ऑफस्प्रिंग बना? मैम कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब बताओ ये क्या है? मैम डाई हाइब्रिड। तो फिर क्रॉस कौन सा हुआ? वेरी गुड, इसलिए करके देखना है बेटा, डाया हाइब्रिड क्रॉस। अर्नब ये बताइए, गैमेट बताओ यहाँ पे कौन सा बना, टेल मी क्विकली अर्नब, बाकी भी बताओ, मैसेज करो मुझे जल्दी से कि इसका गैमेट कौन सा बना, इसका गैमेट कौन सा बना। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये डाया हाइब्रिड बना है, तो दिस इज डाया हाइब्रिड क्रॉस एंड दिस इज ऑल्सो प्रोडक्ट इज डाया हाइब्रिड, सो इट इज डाया हाइब्रिड क्रॉस। इज इट ओके, क्लियर टू एवरीबडी? ठीक है जी, अब आ जाइए बेटा कंक्लूजन, कंक्लूजन ऑफ conclusions of Mendel's experiments. So first है each character is controlled by to alternate factors. Second है, one of the character या one of the form of a character form of a character which did not appear in F1 generation get appeared in F2 generation. From this he concluded that no blending of factors occur. Second है, out of two factors of a character, one is dominant and other is recessive. In the presence of yeah, when the two different factors of a character come together, dono ikatthe aa gaye, bracket mein likh lena कैपिटल पी स्मॉल टी,
then only dominant factor expresses itself. For example, all hybrid tall are phenotypically, मतलब external appearance जो है, phenotypically tall. This is called as law of dominance. This is called as law of dominance. Third आ जाता है the recessive character reappearing F2 generation when comes in homozygous form. That is small t, small t. This can occur only if two factors of a character सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. अगर इकट्ठे रहेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी को ही तो क्रॉसिंग या सेल्फिंग कर रहे हैं. अगर ये इकट्ठे रहेंगे तो हमेशा इकट्ठे रहेंगे, स्मॉल टी या कैपिटल टी आएगा ही नहीं. ये कब आ सकता है? जब ये दोनों अलग अलग हो जाए. ओनली इफ द टू फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर during gamete formation. They separate from each other only during gamete formation so that each gamete is pure for a factor or has only one factor of a character. Iska kya matlab hai? That is capital T small t gametes banaye. Kaun se gametes bane? ये हर गैमेट जो है या तो उसके पास टॉलनेस का फैक्टर है या ड्वार्फनेस का फैक्टर. दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट. ये दोनों लॉज उसने कब दिए? जब उसने F2 जेनरेशन तक क्रॉसिंग की, मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया अप टू F2 जेनरेशन. इज इट राइट? सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही. व्हाट इज द क्वेश्चन आ सकता है? व्हाट इज द कंक्लूजन्स ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस? ठीक है, अप टू F2 जेनरेशन. सो टू कंक्लूजन्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. He concluded from monohybrid cross. Is it okay? ठीक है, चलो जल्दी से ये लिखिए. Monohybrid crosses से दो laws आए, law of dominance, law of segregation of factors या law of purity of gametes.
चलिए जी, तो अब यहाँ पे देखो कि एफ टू जीनोटिपिक रेशो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज 1:2:1। टोटल चार है, उसमें से आप ये कह सकते हो और 1:4:2:4:1:4। Am I right or not? जल्दी से बोलो, यस और नो? यस मैम। क्योंकि टोटल ऑफस्प्रिंग है चार, इज इट राइट? इन विच 2 फैक्टर्स और हम कह सकते हैं 2 एलील आर इक्वल इन नंबर। कौन सी इक्वल है? दैट इज जो कैपिटल टी है वो भी 1/2 है, स्मॉल टी है 1/2, क्योंकि हमने किसको क्रॉस किया था, इसी को ही तो क्रॉस किया था। तो आगे भी तो इतने इक्वल नंबर ऑफ कैपिटल टी इक्वल नंबर ऑफ स्मॉल टी। द रेशियो 1:2:1 इज एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल इक्वेशन या एक्सप्रेशन एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर। X is t, y is small t. A and B are, you can say, frequency of capital T and small t. यहाँ पे दोनों की frequency कितनी है? Half and half. तो हम क्या कहेंगे? Half of P प्लस हाफ ऑफ स्मॉल टी होल स्क्वायर। इसको करो एक्सपैंड, ए प्लस बी होल स्क्वायर आपको पता है, क्या करेंगे? हाफ ऑफ टी होल स्क्वायर प्लस कह लो, रेशियो कह लीजिए 2:1/2 t/2 small t प्लस 1/2 small t होल स्क्वायर। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे? 1/4 t t या t स्क्वायर एक ही बात है, is to 2/4 काटना नहीं है, 2/4 capital T small t, 1/4 small t. So this is the expansion of binomial expression या binomial equation. Is it okay? Clear to everybody? ये फिर बुक में पढ़ो तो समझ में नहीं आता, ये मैंने आपको समझा दिया। Although इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक तो आया नहीं है, बट जब आप बुक पढ़ते हो तो आपको एक ये पैराग्राफ दिया हुआ है आपकी बुक में, तो वो बच्चों को समझ में नहीं आता, तो वो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, राइट? तो ये कर लो फटाफट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा टेस्ट क्रॉस।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं टेस्ट क्रॉस. तो अब मेंडल कुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोजाइगस स्टोन एंड हेटरोजाइगस स्टोन एज बोथ हैव सेम फीनोटाइप. आप यहां पे लिख लेना ब्रैकेट में होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट, डोमिनेंट पूरा लिखना और यहां पे ब्रैकेट में लिख लेना सैफापी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. कैसे पता चले? टॉल प्लांट है आपके पास तो वो कैसे पता चले कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है? ठीक है. देयरफॉर ही कंडक्टेड टेस्ट क्रॉस क्या है? दैट इज क्रॉसिंग टॉल प्लांट. टॉल है, वायलेट प्लांट है, कोई सा भी करेक्टर हो सकता है डोमिनेंट. क्रॉसिंग टॉल प्लांट विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट. यहां पे टॉल प्लांट है जो कि कैपिटल टी भी हो सकता है या हाइब्रिड टॉल भी हो सकता है. उसको ड्वार्फ के साथ क्रॉस करना, दैट इज स्मॉल टी स्मॉल. ठीक है. अगर प्योर टॉल है और इसको हमने ये किया तो दिस इज टेस्ट क्रॉस रेशियो. यहां पे क्या आएगी? ऑल टॉल. बट अगर हाइब्रिड टॉल है उसको टेस्ट क्रॉस किया तो यहाँ पे जो नो दो गैमेट्स बने, ये वाला ये वाला, यहाँ पे एक यही बना कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी. रेशियो इज 1:1, वन टॉल वन ड्वार्फ. तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन क्या आई यहां से पता चलता है कि जो टॉल है वो कैसा है, प्योर टॉल कि हाइब्रिड टॉल. इफ इन टेस्ट क्रॉस ऑल ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन्ड आर सिमिलर and show dominant character, then parent is homozygous dominant. क्योंकि दूसरे का तो हमें पता है, हमने तो इसका पता लगाना है, इसका पता लगाना है कि ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है. अगर सारे के सारे एक ही, सब ऑफस्प्रिंग्स जो मिले हैं वो सारे डोमिनेंट करैक्टर शो कर रहे हैं, इट मींस द पेरेंट इज होमोजाइगस टॉप. ये यहाँ पे मतलब
ये तो हमने जीन्स दिखा दिया, एलील्स दिखा दी, बट टॉल एंड ड्वार्फ को करेक्ट हमने जो है वो क्रॉस किया और सभी ऑफस्प्रिंग्स टॉल आए. तो इसका मतलब जो टॉल पेरेंट था वो प्योर था, होमोजाइगस था. सेकंड है, इफ टेस्ट क्रॉस रेशियो इज 1:1, मतलब 1 डोमिनेंट 1 रिसेसिव, द पेरेंट इज, आपने पूरा लिखना है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. Is it right? मैं दोबारा से बताती हूँ कि यहाँ पर ये तो हम एलील्स दिखा रहे हैं. मेंडल ने ये नहीं किया था, उसने टॉल प्लांट लिया, ड्वार्फ प्लांट लिया, दोनों को क्रॉस किया तो उसने देखा 1:1 रेशो आ रही है. तो इसका मतलब है कि जो पेरेंट है वो हेट्रोजाइगस टॉल था. अगर रेशो 1:1 ना आके सभी ऑफस्प्रिंग्स डोमिनेंट हो, देन ही कंक्लूडेड दैट पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट. इज इट ओके? सो दिस इज टेस्ट क्रॉस, राइट? करो जल्दी. हमने क्या देखा कि टेस्ट क्रॉस हम क्यों करते हैं, ताकि एक डोमिनेंट पेरेंट का हमें पता चल सके कि वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है. ये दूसरे जिससे हमने क्रॉस किया वो तो हमें पता ही है, बट टू नो वेदर द पर्टिकुलर प्लांट इज होमोजाइगस डोमिनेंट कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, वी डू द टेस्ट क्रॉस, राइट? तो लिखो क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस. वैसे मैंने यहां भी बता दिया बट दोबारा से, significance of test crops. It is done to know whether the plant having dominant character is done to know whether the plant with dominant character is homozygous or heterozygous. Is it okay? ठीक है जी. So this is about test cross. हमने जो है मेंडल के दो लॉज पढ़े, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. इन दोनों में से बेटा जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है दैट इज यूनिवर्सल लॉ, क्योंकि वो तो हमेशा जब भी गैमेट्स बनेंगे तो जो उसके फैक्टर्स है, एलील्स है, वो अलग अलग होंगी. दिस इज यूनिवर्सल लॉ. बट लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल बिकॉज देयर आर सेवरल एक्सेप्शंस, राइट? सो टुमारो वी विल डू एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो हम करेंगे 2:00 इन द आफ्टरनून. इज इट ओके? दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड टुमारो